गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडे सेशन। तो आज का सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए कंटिन्यूएशन में। हम जब बात करते हैं चैप्टर 32 की, तो चैप्टर 32 जो हमने कल शुरू किया था, जो एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रेमिशन और कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बात करता है, उसका ही हम आज कंटिन्यूएशन करने वाले हैं, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि भाई ये सेक्शंस बोलते क्या हैं। देखिए, ये जब हम बात करते हैं सेक्शन, सबसे पहले पहले देखो इसके अंदर, जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि ये पूरा जो मतलब सेक्शंस हैं हमारे, ये सारी जितने भी सेक्शंस हम लोग कर रहे हैं, ये सेक्शन कैस में आते हैं चैप्टर 32 के अंदर, और ये ना अलग अलग उसमें डिवाइड किए गए हैं, पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। तो जो बी पार्ट है वो इम्प्रिजनमेंट के बारे में बात करता है, जो हमें आज पढ़ने हैं 417 से लेके 420 तक। तो जब 417 को पढ़ते हैं तो 417 कहता है कि पावर टू अपॉइंट प्लेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, पावर टू अपॉइंट प्लेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट के बारे में बात करता है, यानी कि इम्प्रिजनमेंट का कौन सी जगह पे जो है उसको क्या दिया जाएगा, कि जो व्यक्ति है जिसको हमने कन्विक्ट कर दिया, अब उसे सजा इम्प्रिजनमेंट कहाँ मिलेगी, वो जगह कौन अपॉइंट करेगा। तो शुरुआत में ही कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, तो शुरुआत में क्या लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है कि किस प्लेस पर एक पर्सन को, जो जिसको कि हमने इम्प्रिजनमेंट देना है, जिसको कि हमने कमिट करना है, कस्टडी में देना है, कस्टडी में रखना है, यानी एक दोनों चीज़ इसके अंदर आ जाएंगी। स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है कि किस जगह पर एक व्यक्ति को हमने क्या करना है, इम्प्रिजनमेंट देना है, या फिर किस जगह पर उसको जो है कस्टडी में रखना है। कौन करता है यहाँ पर, स्टेट गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करता है प्लेस, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि पुलिस स्टेशन भी कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट। फिर उसके बाद में आता है, अगर एक पर्सन को इम्प्रिजनमेंट दिया या उसको कस्टडी में रखा है, तो मान लीजिए अगर वो व्यक्ति, जब हमने सीआरपीसी के अंदर अगर किसी व्यक्ति को पनिशमेंट मिल गया, या किसी आईपीसी के अंदर मिलेगा सीआरपीसी के प्रोसेस के बाद, तो अगर किसी व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट मिल जाता है या कस्टडी में ले लिया जाता है, तो वो व्यक्ति ऑलरेडी अगर सिविल जेल में हो, है ना, सिविल जेल में हो, तो उसको सिविल जेल से हटा करके उसको क्रिमिनल जेल में रख दिया जाता है, जब उसको उसका कन्विक्शन हो जाता है, तो सिविल जेल से हटा कर उसे क्रिमिनल जेल में रख देते हैं, राइट। अब उसके बाद आता है कि मान लीजिए उसका क्रिमिनल जो पनिशमेंट था वो कंप्लीट हो गया, तो फिर क्या होगा, जब क्रिमिनल जो पनिशमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है, तो वापस से उसको सिविल जेल में भेज दिया जाता है, क्लियर। पहले तो उसको, अगर वो सिविल जेल में था, तो उसको क्रिमिनल जेल में शिफ्ट कर देंगे, और अगर उसका पनिशमेंट क्रिमिनल जेल से पूरा हो गया तो फिर वापस उसको सिविल जेल में भेज देंगे। लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, मान लो अगर एक व्यक्ति है जिसको सिविल जेल से क्रिमिनल जेल में रखा था और 3 साल बीत गए, यानी सिंपल सी बात है, उसको 3 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट हो गया, तो 3 साल हो गए जब से उसको क्रिमिनल जेल में रखा सिविल जेल से हटा करके, तो 3 ईयर्स हैव इलेप्स्ड, ठीक है, जब से उसे क्रिमिनल जेल में रखा था, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या उसे वापस जो है सिविल जेल में भेजेंगे। तो यहाँ पर दो सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं, अगर आप बेर एक्ट देखोगे तो सेक्शन 58 सीपीसी एप्लीकेबल होता है, और एक वहाँ दे रखा है आपको बेर एक्ट में 23 सेक्शन दे रखा है, और वो दे रखा है प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। अब इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, जब सेक्शन 23 यहाँ मेंशन करा हुआ है प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंतर्गत, देखो इंसॉल्वेंसी एक्ट जो ना, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट वो रिपील हो चुका है, आई डोंट नो कि इसको यहाँ से हटाया क्यों नहीं गया, लेकिन प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट जो है वो रिपील हो गया। कब रिपील हुआ, जब हमारे पास जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट आया, यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट कब आया, 2016 में। तो उसका अगर आप सेक्शन 243 देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट रिपील्ड हो गया है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट आने के बाद में 2016 में सेक्शन 243 से उस एक्ट के इस पर्टिकुलर सेक्शन को रिपील कर दिया गया, इस पर्टिकुलर एक्ट को ही रिपील कर दिया गया, लेकिन अभी ये हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखा हुआ है, लेकिन वैसे ये एक्ट जो है वो रिपील हो चुका। तो मैं आपको बता रही थी कि अगर किसी व्यक्ति को सिविल जेल में है ऑलरेडी और उसको कन्विक्शन हो गया क्रिमिनल ट्रायल के दौरान, तो उसे क्रिमिनल जेल में शिफ्ट कर देंगे, और फिर क्रिमिनल जेल का जब अगर उसका पनिशमेंट पूरा हो गया तो वापस उसको सिविल जेल में रख देंगे। लेकिन अगर मान लो 3 साल गुजर गए हैं जब से उसे सिविल जेल से रिमूव किया था, यानी कि उसको 3 साल हो गए क्रिमिनल जेल में रखे हुए थे, तो
उसके बाद कह रहे हैं कि जो अगर हम वहाँ पर उस व्यक्ति को सिविल जेल में वापस रखना होगा क्या, तो उस केस में कह रहे हैं नहीं, सेक्शन 58 सीपीसी एप्लीकेबल हो जाएगा, उसको फिर वापस सिविल जेल में नहीं भेजना, राइट। 3 साल से ज़्यादा अगर उसे हो गए सिविल जेल से मूव कराए हुए क्रिमिनल जेल में, तो फिर उसको नहीं भेजना है वापस कहाँ, सिविल जेल में, फिर ख़त्म, ठीक है। यहाँ पर दोनों में से जो एप्लीकेबल होता हो इस तरीके से फिर उसको वापस नहीं भेजना, नंबर 1 कंडीशन तो है। नंबर 2 इसमें प्रोविजन ये दिया है कि जिस कोर्ट ने उसको सिविल जेल में भेजा था, जिस कोर्ट ने उसको सिविल जेल में भेजा था, वो कोर्ट यहाँ पे अगर सर्टिफाई कर देती है क्रिमिनल जेल के ऑफिसर को कि भाई इसको एंटाइटल्ड कर दो सेक्शन 58 के अंदर, ही इज एंटाइटल्ड, एंटाइटल कर दो, नहीं, ही इज एंटाइटल्ड सेक्शन 58 के अंदर सीपीसी के अंदर, किसको रिलीज कर दिया जाएगा, तो उसे रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरा पॉइंट उसमें अभी भी स्टिल 23 सेक्शन प्रोविंशन इंसॉल्वेंसी एक्ट लिखा है, जबकि वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग रिपील हो चुका। तो 417 तो हमें ये कहता है। उसके बाद आता है 418। 418 कहता है कि जो इम्प्रिजनमेंट दिया गया है उसको वो एग्जीक्यूट कैसे होता है। तो जब भी एक एक्यूज्ड को इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, इम्प्रिजनमेंट कौन सा, या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ये तीन इसके अंदर दो सबसेक्शन है, पहला सबसेक्शन कहता है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, या फिर उसको दिया गया है इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म, इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म जो है 413 में जो हमने देखा था ना डेथ सेंटेंस वाला, वो वाले केसेस के नहीं, बल्कि और कोई अगर उसे पनिशमेंट दिया गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट या कोई और इम्प्रिजनमेंट अदर देन सेक्शन 413 के अंदर, तो कोर्ट जो सेंटेंस जो है पास कर रही है वो तुरंत के तुरंत एक वारंट इशू करती हैं, और वारंट किसको भेजा जाएगा, वारंट भेजा जाएगा ऑफिसर इन जेल को, ठीक है, जेल को भेजा जाएगा, वारंट इन ऑफिसर इन जेल को भेजा जाएगा, या फिर किसी और जगह पर जहाँ वो व्यक्ति है कि भाई जहाँ पे व्यक्ति कन्फाइन करके गया हुआ है वहाँ भेजा जाएगा। और अगर एक्यूज ऑलरेडी कन्फाइनमेंट में है, जेल में है, तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में करोगे अगर वो ऑलरेडी वो व्यक्ति कन्फाइनमेंट में है, जेल में है, या किसी और प्लेस में, तो फॉरवर्ड करेंगे उसे उस जेल में जहाँ पे उसे जाना है। सिंपल है, अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है तो जेल का जो ऑफिसर है उन्हें वारंट इशू करेंगे, या फिर कहीं वो और कहीं और पे अगर वो व्यक्ति कहीं और व्यक्ति है तो वहां पे उसे बोला जाएगा कि इसे भैया कन्फाइन करो। अगर वो ऑलरेडी जेल में कन्फाइंड है तो उसको बोला जाएगा, मान लो सिविल जेल में है तो उसे बोला जाएगा यहां से उसे शिफ्ट करना है यहां पे। तो इस तरीके से प्रोविजो इसमें दिया हुआ है सबसेक्शन 1 के अंदर, वो ये कहता है कि जब एक्यूज्ड को इम्प्रिजनमेंट दिया गया है टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, वहां पे लिखा हुआ है टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, तो राइजिंग ऑफ द कोर्ट का मतलब होता है जैसे एक दिन के लिए उसको बोल दिया, राइजिंग ऑफ कोर्ट का मतलब होता है आज कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है तो आज जब तक कोर्ट उठ नहीं जाते, उठ का मतलब जब तक कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग आज की हियरिंग नहीं होती तब तक के लिए उसको पनिशमेंट दिया है। तो प्रोविजो कहता है जब एक्यूज्ड को सजा दे दी गई है इतनी इम्प्रिजनमेंट, कितनी इम्प्रिजनमेंट, कि जब तक कोर्ट की आज की प्रोसीडिंग पूरी नहीं होती, जब तक आज पूरी कोर्ट की सिटिंग है तब तक का आपको इम्प्रिजनमेंट दिया जा रहा है, तो उस केस में क्या कह रहे हैं, ये इस वहां पे लिखा हुआ है कि भाई उस केस में आपको क्या करना होगा, क्या उस केस में भी आपको जेल के वारंट, मतलब यहाँ पर तो देखो सबसेक्शन 1 में तो क्या लिखा है, जेल को आपको वारंट जो है वो सेंड करना पड़ेगा, राइट, जेल के ऑफिसर को वारंट सेंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर राइजिंग ऑफ मतलब कोर्ट के उठने तक का उसको सिर्फ इम्प्रिजनमेंट दिया, मतलब एक दिन का हो गया, जब तक कोर्ट अपनी सुनवाई कर रही है तब तक के लिए इम्प्रिजनमेंट दो, तो उस वक्त भी क्या जेल के ऑफिसर को वारंट देना है, नहीं, उस वक्त जो जेल के ऑफिसर को वारंट देने की जरूरत नहीं है, और एक्यूज को कन्वाइन करा जा सकता है उस जगह पे जहां कोर्ट को ठीक लगता है। तो उस केस में जब एक दिन की सजा हो, टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट हो, तब तक के लिए उस केस में जरूरी नहीं है कि उसको वारंट दिया जाए, जेल को जेल में फॉरवर्ड किया जाए वारंट, वो जरूरी नहीं है, ठीक है। अब यहां पे आता है, मान लीजिए एक्यूज अगर कोर्ट में नहीं है, राइट, एक्यूज कोर्ट में नहीं है तो क्या होगा, अगर एक्यूज कोर्ट में नहीं हो और उसको इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाता है सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, तो कोर्ट क्या करेंगे, एक वारंट इशू करते हैं, उस केस में कोर्ट इशू करते हैं वारंट फॉर इज अरेस्ट। अगर वो कोर्ट में है तो उसे वैसे बात है गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल में भेज दिया, लेकिन अगर वो कोर्ट में नहीं है तो उसके अरेस्ट के लिए पहले वारंट इशू करेंगे, वारंट इशू करेंगे उसके अरेस्ट के लिए कि भाई इसको व्यक्ति को तो जेल में रखना है, और फिर उस केस में वो पहले वारंट इशू करके उसे अरेस्ट के लिए फॉरवर्ड करेंगे जेल, जेल में उसे ले जाया जाएगा वो जिस जगह पे जहाँ पर उसे कन्फाइन करना है, और फिर उसके बाद में सेंटेंस जो है वो शुरू होगी जिस दिन से उसको अरेस्ट किया गया, डेट ऑफ अरेस्ट, सजा कब से शुरू होगी, जिस दिन से उसे अरेस्ट किया जाएगा तब से सजा शुरू हो जाएगी। तो ये दो सेक्शन हुए। अब उसके बाद आता है 419। 419 क्या कहता है, 419 कहता है कि जो एग्जीक्यूशन की डायरेक्शन है वो किसके पास जाएंगी, ठीक है, जो एग्जीक्यूशन की है वारंट, वारंट की, वारंट को एग्जीक्यूट करने की, ठीक
ठीक है, वारंट को एग्जीक्यूट करने की जो डायरेक्शन है वो किसके पास जाएंगी, तो जो वारंट होता है उनकी एग्जीक्यूशन की जो डायरेक्शन है वो किसके पास जाएगी, ऑफिसर इन चार्ज, वो मैंने आपको पहले ही बताया, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द किसको जाती है, जेल, पुलिस स्टेशन नहीं, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जेल को जाती है, या फिर और कोई प्लेस है जिनमें प्रिजनर को रखना है उसको वहाँ जाएगी, उस ऑफिसर को जाएगी, ठीक है, जो भी ऑफिसर है इंचार्ज उनको जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, जो वारंट जाते हैं। 420 कहता है वारंट किसको लॉज किए जाते हैं, तो वारंट लॉज किए जाते हैं जब प्रिजनर जो है उसको जेल में कन्फाइन करना है, तो जेलर के साथ में वारंट किसको लॉज किए जाते हैं, जेलर को। एग्जीक्यूशन किस डायरेक्शन फॉर वारंट ऑफ एग्जीक्यूशन किसको जाता है, डायरेक्शन किसको जाती है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जेल को जाती है, और वारंट किसको लॉज किए जाते हैं, वारंट जेलर को लॉज किए जाते हैं। तो 419 और 420 दोनों आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, हम इसको दोनों को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, तो आप लोग ये देखिए। हाँ जी, तो सबसे पहले तो देखो, अगर आप अनअकैडमी की प्रिपरेशन, अनअकैडमी के से जुड़ना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप स्पेशल क्लास प्लस क्लास दोनों ले सकते हैं, तो जो भी आप लेना चाहें, चाहे स्पेशल क्लास लेना चाहें, चाहे प्लस क्लास लेना चाहें, उन क्लासेस से आप जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के लिए आप जो है मेरा कोड लगा सकते हो, मेरा कोड है ARCHNA, जो मेरे नाम की स्पेलिंग है वही मेरा कोड है, तो आप चाहे कोई भी क्लास लें, स्पेशल लें, प्लस लें, आइकॉनिक लें, सभी क्लासेस में आपको ये कोड हेल्प करता है, और ये आप इसके अलावा अनअकैडमी आपको बहुत सारे बैचेस देता है, रेगुलर लिंकिंग कोर्स बैच शुरू हो रहा है January 26 से 3-12 महीने के लिए, रैपिड रिवीजन उत्तराखंड जुडिशरी के लिए शुरू हो रहा है February 1, 2023 से 3 महीने के लिए, रैपिड रिवीजन वेस्ट बंगाल के लिए जो है वो शुरू हो रहा है, ये भी 3 महीने के लिए है, January 23rd से, तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, रैपिड रिवीजन बैचेस हैं, तो ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, तो आप लोग इन्हें ज्वाइन ज़रूर करें, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा कोड है ARCHNA, इस कोड को आप लगा सकते हैं और अपना 10% रिडक्शन पा सकते हैं। रिडक्शन पाना इस वक्त इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद जो है प्राइस राइज हो जाएंगे, और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अनअकैडमी 30 जनवरी को, 30 जनवरी को आप लोगों के लिए लॉन्च करने जा रहा है जुडिशरी के नोट्स, तो आप लोगों के लिए नोट्स लॉन्च होंगे जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन और क्विक रिवीजन वाले नोट्स मिलेंगे, सब्जेक्टिव थ्योरी होगी, क्विक नोट चार्ट्स होंगे, रिसेंट केसेस एंड लैंडमार्क जजमेंट होंगे, लीगल मैक्सिम आपको मिलेगी, इंटीग्रेटेड MCQs एंड PYQs होंगे, मेंस क्वेश्चंस एंड मॉडल आंसर्स होंगे, तो नोट्स में आपको इतना कुछ मिलने वाला है, बस जो भी करें आप लोग मेरा कोड देख लीजिएगा, मेरा कोड है ARCHNA, तो आपको इन नोट्स के अंदर जो 30 जनवरी को लॉन्च होंगे, फिर से बता दे रही हूँ, सब्जेक्टिव थ्योरी, क्विक व्यू चार्ट्स, रिसेंट केसेस, लैंडमार्क जजमेंट, लीगल मैक्सिम, इंटीग्रेटेड MCQs, PYQs, मेन क्वेश्चन एंड मॉडल आंसर सब मिलेंगे, और कोड मेरा है अर्चना। अगर मैं फिर से आपको बताऊं कि अगर हम प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं तो उस वक्त क्या होगा, अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेते तो आपको 30 जनवरी से 20% राइज मिलने वाला है प्राइसेस पे, एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अभी फ़िलहाल आप लोगों के लिए 28 जनवरी तक के लिए आप लोगों के लिए 20% रिडक्शन है, तो आप अगर ऑफर लेना चाहते हैं तो आप मेरे कोड से ले लीजिएगा, मेरा कोड है ARCHNA, जिसकी शुरुआत में भी ए है, एंड में भी ए है, तो आप इस कोड को अवेल करके 20% ऑफ ले सकते हैं, और अगर आप अभी नहीं लेंगे तो प्राइस रे जो है वो चेंज हो जाएंगी। देखो, अगर आप अभी आप लेते हो तो 1 महीने का कोर्स आपको 7,654 का पड़ता है, और इसी तरह से 3 महीने का 19,000 का, और 6 महीने का 30,000 का, और 12 महीने का 42,000 का, 18 महीने 51, और 24 महीने 61,000 का, लेकिन अगर आप अभी नहीं लेंगे तो फिर ये राइज हो जाएंगी प्राइसेस, और प्राइसेस जो राइज होंगी तो वो इतना तक बढ़ जाएगा, मतलब 20% तक इंक्रीज है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज फ्रॉम 1st of February, तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, दिस इज़ द हाइट टाइम व्हेन यू कैन गो फॉर इट, और अब हम चलते हैं अपने आज के क्लास के में, ठीक है, तो हम आज के अपने क्लास में चलते हैं। हाँ जी, तो देखिए, अगर आप बात करें, पहला चलते हैं, हम शुरू करते हैं, पावर टू अपॉइंट प्लेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, सेक्शन 417 हमें किसके बारे में बताता है, पावर टू अपॉइंट प्लेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट,
तो यहाँ लिखा है एक्सेप्ट व्हेन अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स। अगर किसी कानून में कुछ और लिखा है तो अलग बात है, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट ही है जो डायरेक्ट करेगी कि किस जगह पर किसी व्यक्ति को जिसको इम्प्रिजनमेंट रखना है या कस्टडी में रखना है तो किस जगह पर रखना है कौन बताएगा, स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि वहाँ किस जगह पर उस व्यक्ति को रखना है। और अगर एक पर्सन को लायबल है कि भाई उसको इम्प्रिजनमेंट करने में रखना है या उसको कस्टडी में रखना है सीआरपीसी के अंदर, वो ऑलरेडी सिविल जेल में है तो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट जो ऑर्डर कर रहे हैं इम्प्रिजनमेंट का, द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑर्डरिंग द इम्प्रिजनमेंट और कमिटल मे डायरेक्ट। देखो वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट बताएंगी कि कौन सी जगह पर रखना है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिविल जेल में है तो उसको वहां से ले जा करके उसको रखना है कहाँ, उसको रखना है क्रिमिनल जेल में, तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करेंगी कि इसको यहाँ से हटा के और दूसरी जगह पर रख दिया जाए कि इसको क्रिमिनल जेल में रखा जाए। फिर अगर दूसरा पॉइंट आता है कि जब एक पर्सन को रिमूव करा जाता है क्रिमिनल जेल से, क्रिमिनल जेल में रिमूव किया जाता है सब सेक्शन 2 में, ही शैल ऑन बींग रिलीज देयर फ्रॉम, तो जब वो वहाँ से रिलीज हो जाएगा मतलब जब उसका वहाँ पे इम्प्रिजनमेंट खत्म हो जाएगा, बी सेंट बैक टू सिविल जेल, तो उसको वापस सिविल जेल में लाया जाएगा अनलेस इधर। लेकिन ये दो कंडीशन हमें ध्यान में रखनी है। पहली कंडीशन क्या, अगर 3 साल पूरे हो गए जब उसको वहाँ से रिमूव किया गया था सिविल जेल से क्रिमिनल जेल में लाया गया था, इन विच केस ही शैल बी डीम्ड टू हैव बिन रिलीज फ्रॉम द सिविल जेल, उस केस में मान लिया जाएगा, डीम्ड टू हैव बी मान लिया जाएगा कि सिविल जेल से उसका इम्प्रिजनमेंट पूरा हो गया सेक्शन 58 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर या सेक्शन 23। देखो मुझे नहीं पता ये अभी तक क्यों यहां पर है ये, लेकिन इसको यहां होना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने आपको भी बताया प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट ये रिपील हो चुका है हमारे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के सेक्शन 243 के अंदर साफ साफ लिखा है, आप चाहो तो देख लेना इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट, अगर मेरे पे विश्वास ना हो तो देख लेना 244 में साफ साफ लिखा है कि प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट रिपील्ड है। तो अब हाँ ये इसके अंदर क्यों है मुझे नहीं पता सब। फिर उसके बाद क्लोज भी आता है जो कहता है कोर्ट जिसने ऑर्डर किया था इम्प्रिजनमेंट सिविल जेल में है सर्टिफाइड टू द ऑफिसर, जिसने सर्टिफाई कर दिया कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ क्रिमिनल जेल, ये तो या तो मान लिया जाएगा या फिर कोर्ट जिसने सिविल जेल में भेजा था वो भी सर्टिफाइड कर देते हैं कि भाई ही इज एंटाइटल्ड टू बी रिलीज, को सेक्शन 58 में रिलीज कर दो तो उसको फिर रिलीज कर दिया जाएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है 418। 418 कहता है सेंटेंस को कौन एग्जीक्यूट करेगा या एग्जीक्यूशन कैसे होगा, जो इम्प्रिजनमेंट हुआ है उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। तो सब सेक्शन 1 कहता है कि जब भी एक्यूज को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया गया या कोई और इम्प्रिजनमेंट दिया गया, बस वो 413 के अंदर मतलब डेथ सेंटेंस वाला नहीं होना चाहिए, जब कोई भी इस तरह का सेंटेंस दिया गया कोई भी इम्प्रिजनमेंट दिया गया तो कोर्ट जिसने सेंटेंस पास किया है तुरंत के तुरंत क्या करेगी, वारंट फॉरवर्ड करेगी किसको, टू द जेल या कोई और जगह जहां पर इन विच ही इज और इज टू बी कन्फाइंड, जहां उसे रखना है या वो ऑलरेडी है तो वहां पे उसको जो है वारंट फॉरवर्ड किया जाएगा। एंड अनलेस द एक्यूज इज ऑलरेडी कन्फाइंड इन सच जेल, और अगर एक्यूज उसकी जेल में नहीं है उस जगह पे नहीं है तो जेल को वहां पे फॉरवर्ड किया, एंड शैल फॉरवर्ड हिम टू सच जेल, भाई अगर वो व्यक्ति वहां नहीं है तो ऑब्वियसली बात है उसे वहां तक पहुंचाना पड़ेगा, तो ये काम क्यों इसका क्रिमिनल कोर्ट का, तो उसे वहां तक पहुंचाया जाएगा विद द वारंट, वारंट के साथ में उसे पहुंचाया जाएगा। अगर वो उस जगह पे है तो वारंट जेल में भेज दिया जाएगा, लेकिन अगर वो है ही नहीं जेल में तो उसे जेल तक पहुंचाया जाएगा और वारंट के साथ में। प्रोवाइजो कहता है वेयर द एक्यूज इज सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, ये एक दिन वाली सजा है, जब तक कोर्ट की सिटिंग है तब तक आपकी इम्प्रिजनमेंट है, तो जब यहाँ पर एक्यूज को सजा सुना दी जाती है इम्प्रिजनमेंट की टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू प्रिपेयर और फॉरवर्ड ए वारंट टू ए जेल, तो ये जरूरी नहीं है कि भाई वारंट बनाए या उसे वारंट बनाए और फॉरवर्ड करें जेल में, एंड एक्यूज में भी कन्फाइंड इन सच प्लेस एज द कोर्ट में डायरेक्ट, तो जरूरी नहीं कि उसको जेल में रखें, एक्यूज को कहीं और पर भी कन्फाइन करके रखा जा सकता है। सब सेक्शन 2 कहता है जब एक्यूज प्रेजेंट नहीं है कोर्ट में, तो ये तो कोर्ट वाला प्रेजेंट वाला हो गया, ये अगर कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो तो एंड वी सेंटेंस टू सच इम्प्रिजनमेंट एज इज मेंशन अंडर सब सेक्शन 1, और उसे एक ऐसी जगह पे रख दिया जो हमने सब सेक्शन 1 में मेंशन करा है, ठीक है, एंड इज व्हेन ही सेंटेंस टू सच इम्प्रिजनमेंट एज इज मेंशन, मतलब उसको यहाँ पर जो है ये इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिला या कोई और इम्प्रिजनमेंट अदर देन डेथ सेंटेंस 413 वाला कोई और इम्प्रिजनमेंट मिला है, तो उस केस में कोर्ट शैल इशू एक वारंट इशू करेंगे पहले तो उसके अरेस्ट के लिए, उसे पकड़ के लाओ भाई, अगर वो जेल में नहीं है तो उसे पकड़ के लाओ एंड फॉर द पर्पज ऑफ फॉरवर्डिंग इन टू द जेल, उसे जेल में फॉरवर्ड करेंगे और अदर प्लेस जिसमें उसे कन्फाइन करना है
और इन विच सच के सेंटेंस कब से शुरू होंगे, जब से उसकी अरेस्ट हुई है, तो जिस डेट पे उसे अरेस्ट किया गया है उस डेट से जो है यहाँ पे सेंटेंस शुरू होगा। 419 कहता है डायरेक्शन ऑफ वारंट फॉर एग्जीक्यूशन, तो एग्जीक्यूशन के डायरेक्शन कौन देगा, तो किसको दिया जाएगा। एवरी वारंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल बी डायरेक्टेड टू, किसको, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जेल को, या फिर कोई जिस जगह और अदर प्लेस इन विद द प्रिजनर जहाँ उसको रखना है ना, उस ऑफिसर को यहाँ पर जो है करेंगे, मतलब जैसे किसी भी व्यक्ति को जहाँ भी रखना है वहीं पर उस ऑफिसर को, जो ऑफिसर होगा वहाँ पे उसको डायरेक्ट किए जाते हैं वारंट। 420 और 419 दोनों इंपॉर्टेंट है। 420 कहता है वारंट किसके पास लॉज किए जाएंगे, तो प्रिजनर अगर इज टू बी कन्फाइंड इन जेल में रखना है तो वारंट शैल बी लॉज विद द जेलर। देखो वो डायरेक्शन ऑफ वारंट फॉर एग्जीक्यूशन था कि वारंट के एग्जीक्यूशन के लिए डायरेक्शन किसको देंगे और वारंट किसके साथ लॉज किए जाएंगे, ये 420 के अंदर है। तो ये हमारा आज का जो सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। गुड इवनिंग योगेश्वर जी, गुड इवनिंग बाज जी, गुड इवनिंग नवनीत जी, गुड इवनिंग फातिमा जी, गुड इवनिंग प्रकाश सिंह जी, एंड गुड वेरी गुड इवनिंग भारत, गुड इवनिंग एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।